वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में सीएस रैंक नेक्स्ट रैंक मैप के टॉप 10 हिडन प्लेसेस लेके आ गए हो, जिसको यूज करके आप आसानी से ग्रैंड मास्टर तक भी लगा सकते हो। और इस वीडियो में टॉप 1 वाली ट्रिक है ना मेरी तो फेवरेट ट्रिक है, आपकी कौन सी ट्रिक फेवरेट है मुझे कमेंट में बताना। और इसमें 200 कमेंट का टारगेट रखते, जैसे 200 कमेंट होते भाई नेक्स्ट वीडियो वैसे ही आ जाएगी। चलो एक छोटे से इंट्रो के बाद इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रिक नंबर 10, अपनी वर्क करने वाली ग्रेव लैब पर। और भाई मुझे ग्रेविटी लैब बोलना ज्यादा अच्छा लगता है, ये लोकेशन का नाम आपको भी शायद यही लगता होगा क्योंकि लोकेशन का नाम ग्रेविटी लैब ही होना चाहिए, लेकिन ग्रेव लैब कोई बात नहीं। अपने को भी वैसे भी नाम से मतलब नहीं, अपने को टिप्स एंड ट्रिक्स से मतलब है। ये वाली हिडन प्लेसेस वर्क करने वाली, आपको एक ग्लूवल कुछ ऐसे लगा देना है, यहाँ पे लगाने के बाद आपको डायरेक्ट इस पे जंप कर देना है। इस ग्लूवल पे जंप मार के आपको सामने येलो वाला प्लेनेट दिख रहा है, इसके ऊपर जंप मार देना, अब इधर चल के आओगे। उसके बाद आपको इधर आना और इसके ऊपर एक और बार जंप मार देना। अब इस प्लेनेट पे आगे वो चंद्रयान 3 जा रहा है, देख रहे हो इतना ऊपर आ चुके, चंद्रयान 3 भी दिख चुका है। सामने एक बंदा नॉक कर दिया और अब इतने ऊपर आ चुके हो पूरे टीममेट को अपने पूरे एनिमी की लोकेशन दे सकते हो। साइड में बंदा आ रहा है, उसको पता भी नहीं होगा कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ। और इसके पास तो नायरी कैरेक्टर भी, मेरे टीममेट को मैंने बोल दिया साथ में ग्लू बॉल तोड़ते। और अभी मैंने बोला था ना अपने टीममेट को लोकेशन बता सकते हो, देखो लोकेशन बताई, साथ में नायरी को भी फोड़ दिया। लास्ट बंदा ये सोनिया बना है लेकिन इसने किल ले लिया है। चलो कोई ना, यही नहीं अभी और सुनिए। ट्रिक नंबर 9, अपनी वर्क करने वाली रश टाउन वाली लोकेशन पर। और भाई इतनी कमाल की ट्रिक निकाल के आया हो ना, मतलब ये किसी ने सोची भी नहीं होगी। ये क्रीपर की डिजाइन है ना, डबल डिजाइन लगा दी ना, तो भाई उसी का फायदा उठा लिया मैंने। आपको बस इसको खोल के इधर आ जाना, एकदम इसके ऊपर ही चढ़ना, नहीं तो नीचे गिर जाओगे। और भाई ये क्या, मेरे टीममेट मेरे से पहले आ चुका है, ऐसा लग रहा है ये रोज ही यहीं पे बैठता होगा। बंदे ढूंढने की तलाश में चलते हैं भाई, बंदे ढूंढने की जरूरत ही नहीं। सामने बंदा आ रहा, उसको पता भी नहीं भाई पीछे बैठा हो, भाई उसको मैंने बॉडी बॉडी मार दी, उसको पता भी नहीं था दूसरा भी आ गया। भाई इसको जल्दी से रश कर देता हूँ, बहुत डैमेज हो चुका है, वरना मेरा टीममेट किल चोरी कर लेगा। लो भाई भैया तो हो चुका 4-0 से वो भी। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ट्रिक नंबर 8, अपनी वर्क करने वाली है म्यूजियम पे। और ये वाली लोकेशन पे आपको इतनी कमाल की ट्रिक बताऊंगा, उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। आपको सामने एक ग्लू वॉल लगा देना है, उसके बाद आपको इधर कवर देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर जंप करते करते चढ़ते आपको इस डिजाइन के ऊपर ऐसा ना, पिछली बार भी डिजाइन की ट्रिक बताई थी, इस बार भी डिजाइन की ट्रिक बताई थी। और डिजाइन की ट्रिक आने वाली इस वीडियो में नहीं, आगे वाली बहुत सारी वीडियो आएगी, उसमें आपको डिजाइन की ट्रिक बताने वाला। यहाँ पर बंदा है, उसको बिल्कुल भी पता नहीं चला कि मैं ऊपर बैठा हूँ, उसने मेरे टीममेट को देखा वो बात अलग है, लेकिन ऐसी मैंने बहुत बार ट्राई करा ना, हर बार मैंने देखा, मैंने को कभी किसी ने नहीं देखा। लास्ट इधर जोन आ चुके, 2v2 हो चुका, क्या ये हम जीत पाएंगे भाई, वुकोंग बन के आगे चलते। और ये दोनों बंदों को मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, बाहर भी बहुत देर तक फायर कर रहा, लेकिन ये दोनों निकले नहीं बाहर, इसने डिमित्री चालू कर लिया। और ये तो बहुत डैमेज था, चलो इसको कंफर्म करते हैं ना, रिवाइव हो जाएगा और मेरा टीममेट किल ले लेगा। भाई इसका किंग फिशर है, चलो ये किंग फिशर बढ़िया चलती है। सामने वो बंदा खड़ा हुआ और इसको क्या ही रेड नंबर मार दिया भाई, मेरे टीममेट नॉक हो गया, इसको क्या रिवाइव करोगे, लूट कर जो लूट कर लेते हैं। लेकिन मेरे टीममेट कुछ बोल रहा था, वापस चल के देखते हैं क्या बोल रहा है। ट्रिक नंबर 7, अपनी वर्क करने वाली है मर्ड साइड पे। भाई मर्ड साइड का तो मतलब होता है ना कीचड़ वाली जगह, भाई इधर तो कीचड़ तो लगता नहीं, वो एकदम साफ सुथरा है। भाई इसमें एक टीममेट की जरूरत पड़ेगी, आपको 2 ग्लू वॉल ऐसे लगा देना भाई, आपको विदाउट ग्लू वॉल वाली चाहिए ना, विदाउट टीममेट वाली सॉरी, तो अगर वाली ट्रिक चाहिए तो भाई उसके भी ट्रिक मेरे पास है। वैसे तो मैंने इसको 1 साल पहले अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी शॉर्ट्स में मिल जाएगी, वरना आपको लॉन्ग में वीडियो में बना के दे दूंगा। सामने बंदे को बहुत डैमेज दिया है और लेकिन मेरे टीममेट ने इसका किल चोरी कर लिया। भाई मेरे 2 बंदे नॉक हो चुके हैं और भाई तीसरा भी नो खुच का एक ग्रेनेड है, भाई इसको ऊपर फेंक दो क्या पता कुछ हो जाए, लेकिन इसको मैंने मारा भाई, क्या डैमेज आया, ग्रेनेड का नॉक क्यों नहीं हुआ। चलो 1v4 सिचुएशन है, क्या मैं निकाल पाऊंगा देखते हैं। भाई इसको तो मैंने बहुत डैमेज दिया, भाई ये वाले राउंड में तो भाई बहुत ही खतरनाक खेल रहा था, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको एक को हेडशॉट मारा, सामने दूसरा बंदा इसको भी हेडशॉट मारा। अगर ये वाला ग्रेनेड मैं बचा के रखता ना भाई, यहाँ पे बंदा रिवाइव कर रहा, सबको मैं मार देता, लेकिन भाई ये क्या हुआ, उसको भी रिवाइव करने बैठ गया और ये अलग से दूर वाला बंदा मेरे को मार रहा है। भाई मैं नीचे उतरा, ग्लू वॉल लगा तो लिया, लेकिन भाई पीछे से सोनिया बना दिया, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाया। सैड इमोजी। ट्रिक नंबर 6, अपनी वर्क करने वाली इंटेलेक्ट सेंटर पे। भाई मुझे तो नेक्स्ट टाइम आपकी सभी लोकेशन का नाम याद हो गया, कि आपको उन्हें याद हो गया भाई कमेंट करके बताओ, जो भी लोकेशन के जितने भी लोकेशन के नाम याद है भाई सभी लोकेशन के नाम कमेंट कर दो। और मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई, 100 में से 100 कमेंट पढ़ता हूँ, भाई सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपको 3 ग्लू को जैसे लगा देना, एक टीममेट को भी खड़ा करा देना, भाई राइट साइड में वुकोंग आ रहा है, फटाफट ऊपर चढ़ते, वरना ये तो मार देगा, ऊपर भी नहीं चढ़ने देगा। और यहाँ चढ़ गया तो भाई कोई भी बताऊँ आपको बचा नहीं सकता, मतलब उनको नहीं बचा सकता आपसे, क्योंकि यहाँ पे चढ़ने का आपको इधर एक गड्ढा देखने को मिल जाएगा, छुप
भी सकते हैं आप, मैं हीलिंग मेटल कर लो भाई ऊपर बैठे बैठे। चलो यार इधर के भी नजारे देख के आते, इधर कोई बैठा हुआ है क्या? अरे हाँ भाई इधर तो बैठा हुआ है, इधर एक सामने एक बंदा देखने को मिला, इसको क्या ही रेड नंबर भाई। इसके पास भी सोनिया भाई, सबके पास सोनिया है भाई, इसका सोनिया बैन कर रहा है तो भाई मैं गेम छोड़ दूंगा भाई। मजाक कर रहा हूँ आपका, इतना अच्छा सपोर्ट होने के बाद तो क्या मैं गेम छोड़ूंगा। सामने इधर एक बंदा लास्ट में देखने को मिला, इसने ग्लू लगा लिया, मैं भी लेकिन मेरे पास ग्रेनेड है और मेरे ग्रेनेड से कोई बच सकता है क्या भाई? ग्रेनेड फेंका लेकिन ये वापस क्यों आ रहा, अच्छे से नहीं फेंका था क्या? ये ले वापस फेंक दिया। देख रहे हो 0-3 से हार रहे थे, लेकिन भाई ये सोनिया कैसे बन गया? इसकी माँ का भोला चेहरा भाई। ये सोनिया कैरेक्टर को तो सब यही बोलना चाहते होंगे भाई, मेरा किल चोरी हो गया भाई, अच्छा वाला किल करा था यार, क्या ही बोलो भाई। ये छुपने की जगह कहा थी, वापस छुपते ना, चलो इसके अंदर छुप जाते हैं। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ट्रिक नंबर 5 अपनी वर्क करने वाली है डेका स्क्वायर पे, और ये वाली लोकेशन पे बस आपको एक ग्लूअल लेके आना भाई। इधर 5-5 ग्लूअल लेके रखा हूँ भाई, वो वीडियो आना रहती है ना, इसलिए मैं लैग पकेट हमेशा लगा के रखता हूँ। लेकिन अगर मैं वीडियो को लाइक नहीं कर रहा तो भाई वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। आपको पता होगा मैं वीडियो कम डालता हूँ, अगर आपको पता है वीडियो को अगर सभी बंदे मतलब 100 अगर बंदे देख रहे हो उसमें 99 बंदे अगर लाइक कर देंगे ना भाई, मैं इतनी सारी वीडियो डालने की इच्छा होती भाई क्या बताऊँ। अगर बस लाइक कर देना, मैं तो यही बोलना चाहता हूँ। सामने इधर एक बंदा है, इसको किल, अरे भाई इसका किल चोरी कर लिया भाई। चलो इसको कन्फर्म ही कर देते, जिसने किल चोरी करो को किल मिलकर खुशी हो जाएगी, कोई बात नहीं। चलो इसके देखते कोई, अरे भाई ये बंदा तो उड़ के इधर ही आ गया भाई। सभी बंदे सीढ़ी से नहीं आ सकते थे भाई, सबको टायर से जम करके आना, टिप्स एंड ट्रिक्स लगाएंगे। अगर टिप्स एंड ट्रिक्स लगाना ही तो गेमिंग विद एडी के लगाओ ना। अरे भाई सोचो मत भाई, मैं ही हूँ, लेफ्ट वाला बंदा बहुत दिक्कत दे रहा है भाई, इसको खत्म करना ही पड़ेगा। और भाई इसको मैंने हेडशॉट मारा भाई, ये कैसे किल चोरी हो सकता है भाई? इसका तो किल चोरी का ऑप्शन भी नहीं, मतलब निशान भी नहीं आया, ग्रेनेड फेंका और भाई भुया हो चुका। इसी वक्त भाई वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक कर देना। ट्रिक नंबर 4 अपनी वर्क करने वाली रश टाउन पे, और इधर आपको एक ग्लूवल की जरूरत पड़ेगी। कुछ ग्लूवल एकदम पेड़ से चिपका देना, मतलब मैंने थोड़ा पेड़ से, थोड़ा नहीं भाई बहुत दूर लगा दिया, लेकिन आप पेड़ के पास लगा देना। और इसके बाद आपको इस सीढ़ी से ऊपर आ जाना है, और इधर आने के बाद आपको इस दीवार के ऊपर जंप कर देना है, ताकि इस ग्लूवल के ऊपर आप आसानी से जंप कर सकते हो। इसके ऊपर डायरेक्ट जंप करके ये सामने ये देख लो, मैंने ग्लूवल को ज़्यादा ही दूर लगा दिया भाई, बहुत ज़्यादा दूर लगा दिया। चलो जंप करते डायरेक्ट पहुँच जाएंगे, और भाई पहुँच चुके। चलो इसी बात पे कॉन्ग्रेचुलेशन, और यहाँ पे 2 बंदे, एक ही बंदा बचा हुआ है और इसको भी मैंने मार दिया। और यहाँ तो हमारा आते से मैं 1 नहीं लगा, ये आराम से विक्ट्री हो चुका है। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ट्रिक नंबर 3 अपनी वर्क करने वाली है मड साइड के पास। अरे मड साइड के पास सॉरी ना, मड साइड पर ही वर्क करने वाली है। और इधर आने के बाद आपको टोटल 3 ग्लूवल लगेंगे। आपको थोड़ा सा लॉन्ग रेंज की गन लेके आ जाना है, मैंने शॉर्ट रेंज की गन इसलिए लेके आया हूँ भाई, वीडियो बनानी थी तब कुछ भी करके बनाना था, चलो शॉर्ट रेंज की विजन भी थोड़ी लॉन्ग रेंज में चल जाती है। और भाई मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ जब भी वीडियो बनाता हूँ या बताओ मतलब गेम खेलता हूँ, आप बताओ हमेशा खुश रहते हो कि नहीं मुझे कमेंट में बताना। और भाई मुझे तो आप मुझे ऐसा कमेंट करो कि मैं क्या ही कमेंट करूँ भाई, आप बताओ कमेंट करा करो कि मैं सभी के कमेंट, सारे कमेंट पढ़ता हूँ। एक बंदा 10 कमेंट करेगा 100 कमेंट मैं पढ़ूंगा, रियली मैं बता रहा हूँ। और यहाँ आने का पूरा आपको मड साइड का व्यू देखने को मिलेगा, पीछे से बंदे आ रहे हैं भाई, सामने से क्यों नहीं आ रहे भाई, पूरा फ्लाइंग करके आ गए। सामने एक किल चोरी तो हो गया, लेकिन दूसरा बंदा सीढ़ी से आया, इसको क्या ही रेड नंबर मारा है। अरे भाई पीछे से फोन मार रहा है, अरे भाई सिर्फ 4 HP में बचा हूँ और ये बंदा अलग मेरे पे रश कर रहा है भाई। अगर मैं निकला तो भाई मैं गया, अभी देखते भाई इसने रश करा भाई, इसको मैंने तो ये इतनी कम HP में उसको मैंने मार दिया भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा है भाई, मुझे कोई चिमटी कोड़ो यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने इतनी कम। अरे सामने एक बंदा, अरे इसको एक गोली मारी भाई, मौको तो आया, इसको पक्का गोली पड़ी, फेक डैमेज नहीं है, क्या ये मेरे टीममेट मार पाएगा? और भाई ये मेरे टीममेट ने रश करा और ये इसका सोनिया बन गया। अरे भाई सोनिया बनने का भागता कौन है भाई, वो भाग रहा है देखो। अरे भाई इस वाले राउंड में मेरी कोई गलती नहीं थी, इसमें मैंने पूरे 2 किल करे, 4 HP में एक बंदे को मारा था। ट्रिक नंबर 2 अपनी वर्क करने के लिए डेका स्क्वायर पे, और यहाँ पर मेरे मतलब मेरे टीममेट ने ट्रिक बताई थी, ट्रिक मेरे को पहले बस से पता थी, लेकिन मैं दूसरी ट्रिक बता रहा था, लेकिन मेरे टीममेट ने वाला ये वाली ट्रिक पहले बना ले, तो चलो मैं इनको देख के आता हूँ ये वाली ट्रिक कौन सी बोल रही है। ये वाली ट्रिक के ऊपर अपन ने पहले ग्लूवल लगा चुके हैं इनने, चलो इसका ही कवर लेके अपन लेट जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद आपको कोई बंदा देख नहीं पाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे इतना कवर है, लेकिन मुझे ये सही लगा नहीं था तो मैंने इधर एक ग्लूवल लगा लिया, क्योंकि इधर मेरे टीममेट ज़्यादा हो गए थे इसलिए ग्लूवल लगा लिया कि सब बैठो आराम से। लेफ्ट साइड से फायर हुई है, इसका मतलब इधर भी बंदा है, और इसको मैंने भाई भी क्या डैमेज आ रहा था, 50-50 को, वो भी एक एक भाई इसने स्नाइपर मारी, उधर लेफ्ट से भी डैमेज पड़ चुका, भी खतरनाक ही मारा इन बंदों ने। तो बस मैं इधर आया और इधर हमारा विक्ट्री हो चुका है। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं, लास्ट वाली ट्रिक की ओर। ट्रिक नंबर 1 अपनी वर्क करने वाली ग्रैव लैब्स पर, और वही वीडियो के हर एंडिंग में आप जरूर से देखा करो, मैं कुछ कमाल की चीज बताता हूँ वो जरूर से सुना करो। आपको ये वाली ट्रिक मैं होती शॉर्ट्स वीडियो में बहुत पहले बता चुका हूँ, अगर आपको नहीं पता होता इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। आपको ये तीनों ग्लूवल के ऊपर चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि बताऊँ सबसे लास्ट वाले ग्लूवल पे चढ़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि बंदे जब देख पाएंगे अभी तो कोई भी देख नहीं पाएगा। बस इसके ऊपर चढ़ा, प्लेनेट पे चढ़ेंगे भाई, आप बंदे मारते हैं, ये देखो ये हमारे को मारा। सामने एक बंदा देखने को मिला, मैंने इसको MP5 से नॉक कर दिया भाई, ग्रोजा होने के बाद MP5 चला रहा, और भाई
टू वर्सेस फोर सिचुएशन हो चुकी है भाई। इसके ऊपर फ्लेक्सिटी देखता हूँ, अगर ये दोनों नॉक हो गए तो भाई मेरे को मजा आ जाएगा भाई। इसको पैक कर देता हूँ, इनको तो एलिमिनेट ही करा दूंगा। लेकिन भाई साइड में से छोटा सा बिल छूट गया था कि ये दोनों निकल के गए। चलो एक को तो वापस से नॉक कर दिया मैंने। अरे मेरे टीममेट इतनी देर तक जिंदा कैसे रह गया, चलो उसको भी कवर देते तो, वरना भाई अगर वो मर गया तो भाई मेरा वन वर्सेस थ्री हो जाएगा भाई। सामने एक बंदा देखो, इसको भी मैंने नॉक कर दिया, कन्फर्म भी कर देते हैं भाई। अब टू वी टू सिचुएशन हो गई भाई। ये बंदा नीचे कूद गया, मेरे को भी नीचे कूदना पड़ेगा वरना ये बंदा आने नहीं देगा मेरे को। और भाई इसको ऊपर से एक और को नॉक कर दिया भाई, मेरा 1v4 हो गया। अब अगर एस कर दिया तो भाई वीडियो को लाइक जरूर से करना पड़ेगा। लेकिन आपको सीएस रैंक की ऐसी और ट्रिक देखनी हो तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कर देना। अगर आपको पीआर रैंक की ट्रिक देखनी हो तो राइट वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कर देना। चलो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।